अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ दाल माश बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। आप दाल माश को फ्रेश बनाएं और खाएं। तो इसके लिए जो क्योंकि दाल माश हर एक की पसंदीदा होती है, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर 2 मैंने बड़े लिए हैं, प्याज ब्राउन मैंने थोड़ी सी ले ली है फ्राई। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है, चॉप्ड मिर्चें 1 टेबल स्पून है, और ये जूलियन कट की हुई अदरक है, ये हरी मिर्च जो है ना, ये भी जूलियन कट की, जो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। साथ में मैंने हल्दी जो है ना 1/4 टीस्पून लिया है, सॉल्ट भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, क्रश्ड रेड चिली जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून ली है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है, रेड चिली पाउडर ये भी 1 टीस्पून है। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून मेथी ली है सूखी वाली, इसको मैंने भिगो दिया ताकि इसके अंदर अगर मिट्टी वगैरह कुछ हो। एक दफ़ा मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया, अब मैंने दोबारा से इसको भिगो दिया। ऑयल हमारा 1/2 कप है। फिर दाल माश है, दाल माश मैंने 1 बॉल ली है, इसको लेके मैंने 2 घंटे के लिए साफ़ करके भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने इसको जो है ना बॉयल कर लिया। बॉयल करते हुए मैंने 1 पिंच जो है ना हल्दी का इस्तेमाल किया। जब दाल अच्छी तरह डन होगी तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि दाल हमारी फीकी फीकी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल लूँगी, फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल 1/2 कप किया। लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन अदरक का कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें मसाले सारे ऐड कर दूँगी। 1 से 3 सेकंड का भुने और टमाटर ऐड कर दें, क्योंकि तेल में अगर मिर्च आप ज़्यादा देर तक डालेंगे तो वो जल जाएगी और उसका टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर इसके सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, साथ में के मैं ना मिर्चें भी डाल दूँगी जो कूट कर रखी हैं, काट के रखी हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना मसाला चेक करेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल, टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो चुके हैं। इस मेथड से आप दाल बनाइए का दाल जो है ना बहुत झटपट बन जाती है और कोई इतना भूनना नहीं पड़ता। जब मैं दाल को ऐड कर दूँगी, दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल दूँगी, मेथी डाल के इसको मिक्स करूँगी। 1/2 कप पानी डाल के मेथी जो 1 टेबल स्पून थी भिगो के रखी वो मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये जूलियन कट की मिर्चें डाल दूँगी, अदरक डाल दूँगी, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। ये देखिए, जो मैंने पुदीना लगाया था ना आपके सामने, ये मेरा वो वाला गमला है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए मैं इस तरह इसको कट कर लूँगी। अच्छा जी, देखिए मैंने इसकी कुछ डंडियाँ काट ली हैं। अब कुछ लोगों को होता है कि माश की दाल जो है ना हज़म नहीं होती, तो अब क्या करना है कि सलाद के साथ जो है ना जो माश की दाल के जो इसके पुदीने के पत्ते वो खा लेंगे तो बहुत अच्छी दाल जो है ना हज़म हो जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह सलाद के साथ पत्ते रख लूँगी, जिसको जितने पत्ते लेने होंगे वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेगा और खा लेगा, वो हाजमे में बहुत मदद करेंगे। अब हम दाल को चेक करें। माशाल्लाह, देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करूँगी, धनिया डाल दूँगी और ये थोड़ा गार्निश के लिए रखूँगी।
अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह हमारी माश की दाल देखिए रेडी हो चुकी है। इसको हरी रायता और सलाद के साथ सर्व करें। प्याज मैंने सेपरेट काट के रखा हुआ है, तो बनाइएगा और मुझे बताइएगा जो 10 मिनट की रेसिपी आपको कैसी लगी। और दुआ में याद रखिएगा मेरी तरफ़ से। अल्लाह हाफिज़।